Hello students, welcome to all of you. Today we are going to learn how to solve an unseen passage or comprehension. आज हम सीखेंगे कि unseen passage या फिर comprehension को कैसे सॉल्व करते हैं. Unseen passage का मतलब ऐसे passage से होता है जिनको हमने पहले कभी पढ़ा नहीं है या फिर देखा नहीं है, और इसे दूसरा नाम इसका comprehension भी है. Comprehension का meaning होता है सोच या समझ से, यानी कि एग्जामिनर हमारा जो इस रीडिंग स्किल वाला सेक्शन होता है उसमें अनसीन पैसेज आते हैं और एग्जामिनर हमसे हमारी रीडिंग एबिलिटी चेक करना चाहता है. वो ये देखना चाहता है कि हमारे अंदर कितनी इंग्लिश की समझ है और हम उस पैसेज को पढ़कर क्वेश्चंस के कितने आंसर ठीक ठीक दे पा रहे हैं. तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर जो भी अनसीन पैसेज को लेकर या कॉम्प्रिहेंशन को लेकर जो भी डाउट्स हैं, डर है या कन्फ्यूजन्स हैं, वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे और अनसीन पैसेज करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी. अनसीन पैसेज ईजी होते हैं क्योंकि इसमें जो आंसर होते हैं वो हमको इसी पैसेज में से फाइंड आउट कर कर लिखने होते हैं. और इन अनसीन पैसेज को करने के कुछ स्टेप्स भी होते हैं जिनकी बात हम अभी करेंगे. तो अनसीन पैसेज करना कोई बड़ी बात, देखते हैं कि इसके स्टेप्स कितने हैं. तो पहला स्टेप है इसका, वो है रीड द पैसेज, यानी कि सबसे पहले हमें पैसेज को अच्छे से पढ़ना होता है. इसके जब हम पैसेज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं तब हमारे सामने कई डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कोई टिपिकल वर्ड्स भी आते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता है. तो ऐसी स्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए और लगभग 25% से 30% हमें पैसेज समझ में आने लगता है कि पैसेज के अंदर कहा क्या गया है. फिर जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप ये है रीड द क्वेश्चन. इसके अंदर हमें क्वेश्चंस को रीड करना होता है. फिर जो थर्ड स्टेप है इसका अनसीन पैसेज सॉल्व करने का, वो है रीड द पैसेज अगेन. यानी कि इस थर्ड स्टेप में पैसेज को फिर से रीड किया जाता है. ऐसा हम इसलिए करते हैं कि सेकंड स्टेप में जो क्वेश्चंस हमने रीड किए थे वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं, और हमें जब हम पैसेज थर्ड टाइम, सेकंड टाइम जब हम रीड कर रहे होते हैं तब हमें पता चल जाता है कि हमें इस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस पैराग्राफ में या इस लाइन से मिल सकता है. तो आइए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप अनसीन पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना. ये देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. पैसेज को अच्छे से पढ़िए और उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आगे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर कीजिए. स्टार्ट होता है हमारा पैराग्राफ यहाँ से. मैरिड लाइफ हैज ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन आर इंडियन कल्चर. वैवाहिक जीवन का हमारे इंडियन कल्चर में, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें महत्वपूर्ण स्थान है. सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण. इट इज़ द लाइफ ऑफ ए हाउस होल्डर दैट नर्चर्स एंड एनहेंसेस सोसाइटी. ये है गृहस्थ का जीवन होता है जो सोसाइटी को, समाज को नर्चर करता है, यानी उसका पालन पोषण करता है और उसे बढ़ावा देता है, उसे अच्छा बनाता है. द नेशन गेट्स इट फ्यूचर जनरेशन ओइंग टू दिस. और राष्ट्र, नेशन मीन्स होता है राष्ट्र भी, अपनी राष्ट्र अपनी फ्यूचर जनरेशन भी इसी के कारण प्राप्त करता है. फ्यूचर जनरेशन मीन्स होता है आगामी संतति, आगामी पीढ़ी. हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैरिड लाइफ शुड बी स्वीट एंड प्लीजेंट. स्वीट मीन्स होता है मधुर और प्लीजेंट मीन्स होता है सुखद. इसलिए ये आवश्यक है कि जो वैवाहिक जीवन है हो वो स्वीट हो, यानी कि मधुर हो और सुखद हो. However, it is seen that there are more bitterness and tension in the relationship owing to incessant quarrel and differences of opinion. हालांकि ऐसा देखा जाता है कि इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, वैवाहिक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कटुता होती है, टेंशन होती है, चिंता होती है. क्यों होती है? लगातार क्वारल होने के कारण, यानी कि लड़ाई होने के कारण, झगड़े होने के कारण और विचारों में मतभेद होने के कारण, विचारों में भेद होने के कारण और लगातार लड़ाई होने के कारण रिश्तों में, इस रिश्ते में अधिक कटुता आ जाती है या फिर टेंशन आ जाती है. हस्बैंड एंड वाइफ गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर. हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से डिसकनेक्टेड हो जाते हैं
अलग अलग हो जाते हैं. द चिल्ड्रन बिकम ऑर्फन्ड इमोशनली, और जो चिल्ड्रन होते हैं वो भावनात्मक रूप से अनाथ हो जाते हैं. ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ. एंड द फैमिली डिसइंटीग्रेट्स, और जो फैमिली होती है वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है. डिसइंटीग्रेट्स मीन्स टुकड़े टुकड़े होना. देर आर स्मॉल टिप्स एंड हैबिट्स विच वैन इनकॉर्पोरेटेड इन डेली लाइफ कैन रिस्टोर द स्वीटनेस ऑफ फैमिली लाइफ एंड मे इवन लीड टू ब्लिसफुल लाइफ ऑफ टुगेदरनेस. यहाँ पर कुछ छोटी छोटी युक्तियाँ, आदतें दी हुई हैं, यदि उनको डेली लाइफ में शामिल किया जाए, इनकॉर्पोरेटेड मीन सम्मिलित किया जाए, तो उसके कारण कैन रिस्टोर द स्वीटनेस ऑफ फैमिली लाइफ. इससे फैमिली लाइफ यानी वैवाहिक पारिवारिक जीवन की स्वीटनेस, मधुरता पुनः प्राप्त हो जाएगी. एंड मे इवन लीड टू ब्लिसफुल लाइफ ऑफ टुगेदरनेस, और साथ साथ सुखद जीवन का नेतृत्व भी कर सकेगी. ईच एंड एवरी पर्सन लीडिंग ए मैरिड लाइफ हैज़ इज ऑन इंडिविजुअल लाइफ. प्रत्येक व्यक्ति जो मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन जी रहा है, उसका अपना एक अलग जीवन होता है. इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत अलग जीवन होता है. वंस हैबिट, इंटरेस्ट, वे ऑफ लाइफ एंड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स देयर लाइफ कैन बी टेम्पोरली चेंज्ड बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड परमानेंटली. व्यक्ति की आदतें, उसके उसकी रुचियाँ, वे ऑफ लाइफ, जीवन का तरीका, पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स देयर लाइफ्स, और जीवन को देखने का उनका दृष्टिकोण कैन बी टेम्पररी चेंज. थोड़े समय के लिए तो चेंज किया जा सकता है, बट कैन नॉट बी मॉडिफाई परमानेंटली. लेकिन हमेशा के लिए मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है. दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर मैरिड लाइफ टू बी स्मूथ फॉर सम टाइम एंड अनरेस्ट क्रॉलिंग इन आफ्टर प्रोलोंग्ड पीरियड्स. यही मेन कारण है कि जो मैरिड लाइफ होती है वो कुछ समय के लिए तो स्मूथ चलती है, अच्छे से चलती है, एंड अनरेस्ट क्रॉलिंग इन आफ्टर प्रोलोंग्ड पीरियड, और काफ़ी समय बाद उसमें अनरेस्ट आ जाता है, अशांति आ जाती है. दिस इज़ द वेरी रीज़न वाई ईच ऑफ देम शुड एलोकेट सफिशियंट टाइम टू ईच अदर. दिस इज़ द वेरी रीज़न, यही एक कारण है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक दूसरे को पर्याप्त समय देना चाहिए. सफिशियंट टाइम मीन्स पर्याप्त समय देना चाहिए. एलोकेट मीन्स होता है देना, सो दैट दे नॉट ओनली अंडरस्टैंड ईच अदर, ताकि ना सिर्फ वह एक दूसरे को समझें, बट ऑल्सो सो डू ए थोरो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड लीड ए लाइफ ऑफ देयर ओन चॉइस. बल्कि एक एक अंतर्दृष्टि भी स्थापित करें, एक अंतर्दृष्टि भी रखें एंड लीड ए लाइफ ऑफ देयर ओन चॉइस, और अपने पसंद की जो लाइफ है उसे जी जी सकें. बीइंग ऑनेस्ट इन मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैरिज में ऑनेस्ट होना बहुत आवश्यक है. दिस इज़ अ फाउंडेशन फॉर फेथ इन द रिलेशनशिप. इस रिश्ते में यह विश्वास की नींव है. ऑनेस्टी इन टॉकिंग, ऑनेस्टी इन डिस्चार्जिंग वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी. ऑनेस्टी टॉकिंग में होनी चाहिए, ऑनेस्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी के निर्वहन में होनी चाहिए, ऑनेस्टी इन फुलफिलिंग प्रोमिस, वायदों के पूरा करने में ऑनेस्टी होनी चाहिए. एंड ऑनेस्टी इन ऑल इंट्रैक्शन इज़ द की ऑफ स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप एंड एनहेंसिंग द पर्सनैलिटी ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ. और ऑनेस्टी इन फुलफिलिंग प्रोमिसेस, वायदों को पूरा करने में ऑनेस्टी, और वार्तालाप में ऑनेस्टी होना इस रिश्ते को मजबूत करने की कुंजी है, और इससे दोनों की पर्सनैलिटी को भी बढ़ावा मिलता है. वो पर्सनैलिटी उनकी अच्छी होती है, हस्बैंड और वाइफ की पर्सनैलिटी अच्छी होती है. फॉर द कपल टू अंडरस्टैंड ईच अदर वेल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे आर एबल टू लीव देयर फियर्स एंड स्पीक आउट देयर माइंड टू ईच अदर. कपल के लिए, हस्बैंड और वाइफ के लिए ये आवश्यक है कि वे एक दूसरे को समझें. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दे आर एबल टू लीव देयर फियर्स, और वे अपने भय का त्याग कर दें और अपने मन की बात एक दूसरे से करें. दे शुड डिस्कस फ्रीली, उनको फ्री होकर बात करनी चाहिए. एंड इवन वेन दे आर अपसेट विद वन अनदर, और यदि वे एक दूसरे से नाराज हों, तो इट शुड बी सॉर्टेड आउट एज सून एज पॉसिबल. तो जितना जल्दी हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, उन्हें इससे इसे सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, उन्हें सुलझा लेना चाहिए. दे देयर मे बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, बट दिस शुड नेवर लीड टू डिस्ट्रप्शन ऑफ हारमनी इन माइंड. उनके उनके अंदर मतभेद हो सकते हैं, हस्बैंड और वाइफ में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये
लेकिन ये मन में मधुर संबंध को लेकर कभी भी इस बात को लेकर डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, कभी भी बाधित नहीं होने चाहिए मधुर संबंध। देयर इज़ वन हैबिट दैट इज नोटिस लार्जली इन पीपल, एक आदत है लोगों के अंदर जो बड़ी मात्रा में देखी जाती है। दिस सीम टू हैव मैनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड, वे संसार में हर एक चीज़ के से शिकायत करते हैं। दिस इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ ए फैसेट इन द देयर पर्सनैलिटी, ये प्राथमिक रूप से उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके पक्ष के कारण होता है। विच मेक्स देम फोकस ऑन द नेगेटिव एज फैसेट ऑफ अदर रादर देन लुकिंग एट द पॉजिटिव वंस, जो उन्हें फोकस करती है, जो जो दूसरों की पॉजिटिव चीज़ देखने के बजाय उन्हें नेगेटिव चीज़ देखने पर फोकस करती है। इफ़ वी आर प्रॉन टू दिस हैबिट, यदि हम इस हैबिट के शिकार हैं, हम इस आदत के प्रवर्ती हैं, देन वी शुड इंश्योर, तो हमें ये बात सुनिश्चित कर लेनी चाहिए दैट दिस इज़ कैप्ट अंडर चेक, इसे हमें रोकना चाहिए, सो दैट आर पर्सनैलिटी इज़ नॉट परसीव डिससेटिस्फाइड एंड इरिटेबल, ताकि हमारी जो व्यक्तित्व है वो हमारा चिड़चिड़ा ना हो, डिससेटिस्फाइड ना हो, यानी कि असंतुष्ट ना हो और चिड़चिड़ा ना हो। तो स्टूडेंट्स, है। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो हमारा सेकंड स्टेप है वो कहता है कि हमें क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लिया है, अब हम सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं, जो है रीड द क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर करिए, व्हाई इज मैरिड लाइफ इम्पॉर्टेंट, मैरिड लाइफ वैवाहिक जीवन इम्पॉर्टेंट क्यों है। सेकंड है, व्हाट इज कॉल्ड ए काइंड ऑफ बैड हैबिट, बैड हैबिट किस तरह की आदत को कहा गया है। व्हाट इज द की ऑफ स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप, संबंधों को मजबूत बनाने की कुंजी क्या है। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट कैन बी टेम्पररली चेंज्ड, आंशिक तौर पर थोड़े समय के लिए क्या चेंज परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए आवश्यक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड नेवर लीड टू अ डिस्टरप्शन ऑफ हारमनी इन माइंड, मन में मधुर संबंधों को लेकर किस बात से अवरोध उत्पन्न नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, इन शब्दों के हमें पर्यायवाची लिखने हैं, जो है कम्युनिकेशन एंड मेकिंग बेटर। कम्युनिकेशन मीन्स होता है वार्तालाप, एंड मेकिंग बेटर मीन्स होता है बेहतर बनाना। तो ये सेकंड स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप है हमारा रीड द पैसेज अगेन। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सेकंड स्टेप में जो क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं वो हमारे माइंड में है इस समय, और जब हम इसे थर्ड टाइम, जब हम सेकंड टाइम इस पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर हमें कहाँ मिल सकता है। तो चलिए हमारे थर्ड स्टेप की ओर। मैरिड लाइफ हैज़ ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन आर इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में वैवाहिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इट इज़ द लाइफ ऑफ ए हाउस होल्डर दैट नर्चर्स एंड एनहेंसेस सोसाइटी, यह है दाम्पत्य के जीवन का, गृहस्थ के जीवन का जीवन जीवन होता है, जिस जो कि सोसाइटी को नर्चर्स करता है, यानी कि उसका पालन पोषण करता है और उसे बढ़ावा देता है, उसे एनहेंस करता है। द नेशन गेट्स इट्स फ्यूचर जनरेशन ओइंग टू दिस, और राष्ट्र अपनी फ्यूचर जनरेशन, आगामी पीढ़ी को इसी से प्राप्त करता है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैरिड लाइफ शुड बी स्वीट एंड प्लीजिंग, इसलिए ये आवश्यक है कि वैवाहिक जीवन स्वीट हो, मधुर हो और सुखद हो। However, it is seen that there are more bitterness and tension in the relationship owing to incessant quarrel and differences of opinion. हालांकि ऐसा देखा जाता है कि विचार मतभेद होने के कारण या लगातार क्वारल होने के कारण इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बिटरनेस आ जाती है, बहुत कटुता आ जाती है और बहुत चिंता आ जाती है, टेंशन आ जाती है। हस्बैंड एंड वाइफ गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। द चिल्ड्रन बिकम ऑर्फंड इमोशनली, और बच्चे भावनात्मक रूप से ऑर्फंड हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं। एंड द फैमिली डिसइंटीग्रेट्स, और फैमिली जो है टुकड़े टुकड़े हो जाती है। देयर आर अ स्मॉल टिप्स एंड हैबिट्स विच वैन इनकॉर्पोरेटेड इन डेली लाइफ कैन रिस्टोर द स्वीटनेस ऑफ फैमिली लाइफ एंड मे इवन लीड टू द ब्लिसफुल लाइफ ऑफ टुगेदरनेस। यहाँ पर कुछ ऐसी छोटी छोटी युक्तियाँ हैं, स्मॉल टिप्स मीन्स युक्तियाँ हैं,
छोटी युक्तियाँ हैं, हैबिट्स हैं, कुछ आदतें हैं जिनको हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो उससे हमारी जो फैमिली लाइफ की स्वीटनेस है, जो मधुरता है, वो पुनः प्राप्त हो जाएगी एंड मे इवन लीड टू द ब्लिसफुल लाइफ ऑफ टुगेदरनेस, और साथ साथ जो सुखद जीवन है उसको भी लीड कर सकती है, उसका भी नेतृत्व कर सकती है। ईच एंड एवरी पर्सन लीडिंग ए मैरिड लाइफ हैज़ इज ऑन इंडिविजुअल लाइफ। हर एक पर्सन जो कि एक मैरिड लाइफ जी रहा है उसका अपना एक व्यक्तिगत जीवन होता है। इंडिविजुअल लाइफ मीन्स व्यक्तिगत जीवन होना। हैबिट्स वंस हैबिट्स इंटरेस्ट वे ऑफ लाइफ एंड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स देयर लाइफ्स कैन बी टेम्पोरली चेंज्ड बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड परमानेंटली। किसी व्यक्ति की आदतें, उसकी रुचियाँ, जीवन का तरीका और लाइफ को उसके देखने का दृष्टिकोण आंशिक तौर पर तो चेंज किया जा सकता है बट कैन नॉट बी मॉडिफाई परमानेंटली, लेकिन परमानेंटली यानी कि स्थायी तौर पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर मैरिड लाइफ टू बी स्मूथ एंड फॉर सम टाइम एंड अनरेस्ट क्रॉलिंग इन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स। यही एक मेन कारण है, एक मुख्य कारण है कि मैरिड लाइफ कुछ समय के लिए तो स्मूथ चलती है लेकिन बहुत समय के बाद इसमें अनरेस्ट आ जाता है, अशांति आ जाती है। दिस इज़ द वेरी रीज़न वाई ईच ऑफ देम शुड एलोकेट सफिशियंट टाइम टू ईच अदर सो दैट दे नॉट ओनली अंडरस्टैंड ईच अदर बट ऑल्सो सो डू अ थोरो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड लीड ए लाइफ ऑफ देयर ओन चॉइस। यही एक मेन कारण है कि ईच ऑफ देम शुड एलोकेट सफिशियंट, कि हर एक को एक दूसरे को सफिशियंट टाइम देना चाहिए, पर्याप्त समय देना चाहिए ताकि ना सिर्फ वो अपने आप को समझें बल्कि एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करें, आत्म परीक्षण भी करें एंड लाइफ एंड लीड ए लाइफ दे ऑफ देयर ओन चॉइस, और अपना अपनी पसंद की लाइफ जी सकें। बीइंग ऑनेस्ट इन मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैरिज में ऑनेस्ट होना बहुत आवश्यक है। दिस इज़ अ फाउंडेशन फॉर फेथ इन द रिलेशनशिप। इस रिश्ते में यह विश्वास की नींव है। ऑनेस्टी इन टॉकिंग, ऑनेस्टी इन डिस्चार्जिंग वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑनेस्टी टॉकिंग में होनी चाहिए, ऑनेस्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी के निर्वहन में होनी चाहिए, ऑनेस्टी इन फुलफिलिंग प्रोमिस, वायदों के पूरा करने में ऑनेस्टी होनी चाहिए एंड ऑनेस्टी इन ऑल इंट्रैक्शन इज़ द की ऑफ स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप एंड एनहेंसिंग द पर्सनैलिटी ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। और ऑनेस्टी इन फुलफिलिंग प्रोमिसेस, वायदों को पूरा करने में ऑनेस्टी और वार्तालाप में ऑनेस्टी होना इस रिश्ते को मजबूत करने की कुंजी है और इससे दोनों की पर्सनैलिटी को भी बढ़ावा मिलता है। वो पर्सनैलिटी उनकी अच्छी होती है, हस्बैंड और वाइफ की पर्सनैलिटी अच्छी होती है। फॉर द कपल टू अंडरस्टैंड ईच अदर वेल इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे आर एबल टू लीव देयर फियर्स एंड स्पीक आउट देयर माइंड टू ईच अदर। कपल के लिए, हस्बैंड और वाइफ के लिए ये आवश्यक है कि वे एक दूसरे को समझें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दे आर एबल टू लीव देयर फियर्स, और वे अपने भय का त्याग कर दें और अपने मन की बात एक दूसरे से करें। दे शुड डिस्कस फ्रीली, उनको फ्री होकर बात करनी चाहिए एंड इवन वेन दे आर अपसेट विद वन अनदर, और यदि वे एक दूसरे से नाराज हों इट शुड बी सॉर्टेड आउट एज सून एज पॉसिबल। तो जितना जल्दी हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, उन्हें इससे इसे सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, सुलझा लेना चाहिए। देयर मे बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बट दिस शुड नेवर लीड टू डिस्ट्रप्शन ऑफ हारमनी इन माइंड। उनके उनके अंदर मतभेद हो सकते हैं, हस्बैंड और वाइफ में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये मन में मधुर संबंध को लेकर कभी भी इस बात को लेकर डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, कभी भी बाधित नहीं होने चाहिए मधुर संबंध। देयर इज़ वन हैबिट दैट इज़ नोटिस लार्जली इन पीपल। एक आदत है लोगों के अंदर जो बड़ी मात्रा में देखी जाती है। दे सीम टू हैव मैनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड। वे संसार में हर एक चीज़ के से शिकायत करते हैं। दिस इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ ए फैसेट इन द देयर पर्सनैलिटी। ये प्राथमिक रूप से उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके पक्ष के कारण होता है। विच मेक्स देम फोकस ऑन द नेगेटिव एज फैसेट ऑफ अदर रादर देन लुकिंग एट द पॉजिटिव वंस। जो उन्हें फोकस करती है, जो जो दूसरों की पॉजिटिव चीज़ देखने के बजाय उन्हें नेगेटिव चीज़ देखने पर फोकस करती है।
इफ वी आर प्रोन टू दिस हैबिट, यदि हम इस हैबिट के शिकार हैं, हम इस आदत के प्रवृत्ति हैं, देन वी शुड इंश्योर, तो हमें ये बात सुनिश्चित कर लेनी चाहिए दैट दिस इज कैप्ट अंडर चेक, इसे हमें रोकना चाहिए, सो दैट आर पर्सनैलिटी इज नॉट परसीव डिससेटिस्फाइड एंड इरिटेबल, ताकि हमारी जो व्यक्तित्व है वो हमारा चिड़चिड़ा ना हो, डिससेटिस्फाइड ना हो, यानी कि असंतुष्ट ना हो और चिड़चिड़ा ना हो। तो स्टूडेंट्स, तीनों स्टेप्स इसके क्लियर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं हमें आइडिया लग चुका है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ मिलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मैरिड लाइफ इम्पोर्टेंट, वैवाहिक जीवन आवश्यक क्यों है? इसका आंसर है, मैरिड लाइफ इज इम्पोर्टेंट फॉर द नेशन गेट्स इट्स फ्यूचर जनरेशन ओइंग टू इट। मैरिड लाइफ इम्पोर्टेंट है क्योंकि राष्ट्र इससे अपनी आगामी संतति को प्राप्त करता है। तो देखिए हमें ये आंसर कहाँ मिला पैराग्राफ में, स्टार्टिंग में ही इसका आंसर है, द नेशन गेट्स इट्स फ्यूचर जनरेशन ओइंग टू दिस, हैंस इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट मैरिड लाइफ शुड बी स्वीट एंड प्लीजेंट। तो ये इसका आंसर हो गया, वाई इज मैरिड लाइफ इम्पोर्टेंट, मैरिड लाइफ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज नेशन गेट्स इज फ्यूचर जनरेशन ओइंग टू दिस। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट इज कॉल्ड ए काइंड ऑफ बैड हैबिट, बैड हैबिट किस तरह की आदत को कहा गया है? टू हैव ए होस्ट ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड ए काइंड ऑफ बैड हैबिट। सभी चीज़ों के लिए संसार में शिकायतें करना, सभी चीज़ों के खिलाफ शिकायतें करना, ये एक बुरी आदत कही गई है। देखते हैं इसका आंसर हमें कहाँ मिला। ये इसका आंसर है, देयर इज वन हैबिट दैट इज नोटिस्ड लार्जली इन पीपल, दे सीम टू हैव मैनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो दिस इज कॉल्ड ए बैड हैबिट, टू हैव होस्ट ऑफ मैनी कंप्लेंट अगेंस्ट ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड ए बैड हैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थ्री, वॉट इज द की टू स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप, रिश्ते को मजबूत बनाने की कुंजी क्या है? तो इसका आंसर है, ऑनेस्टी इन एवरीथिंग इज द की टू स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप, सभी चीज़ों में ईमानदारी होना ही रिश्ते को मजबूत बनाने की कुंजी है। देखते हैं इसका आंसर कहाँ से मिला हमें। देखिए इस वाले पैराग्राफ के स्टार्टिंग में इसका आंसर है, बीइंग ऑनेस्ट इन मैरिज लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ ए फाउंडेशन फॉर फेथ इन द रिलेशनशिप, ऑनेस्टी इन टॉकिंग, ऑनेस्टी इन डिस्चार्जिंग वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी इन फुलफिलिंग प्रोमिसेस, ऑनेस्टी इन ऑल इंट्रैक्शन इज द की ऑफ स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ड बाई वर्ड भी लिख सकते हैं, और या फिर इस तरीके से भी इसका आंसर कर सकते हैं, ऑनेस्टी इन एवरीथिंग इज द की टू स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, वॉट कैन बी टेम्परली चेंज्ड, क्या आंशिक तौर पर बदला जा सकता है, यानी कि थोड़े समय के लिए क्या बदला जा सकता है? आंसर है इसका, वंस हैबिट्स इंटरेस्ट वे ऑफ लाइफ एंड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ कैन बी टेम्परली चेंज्ड, आदतें रुचियाँ लाइफ का तरीका लाइफ को देखने का दृष्टिकोण थोड़े समय के लिए बदला जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हमें किस पैराग्राफ से मिला। ये इसका आंसर हमें यहाँ मिला, वंस हैबिट्स इंटरेस्ट वे ऑफ लाइफ एंड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स देयर लाइफ कैन बी टेम्परली चेंज, किसी की आदतें रुचियाँ उसके लाइफ का तरीका लाइफ को देखने का दृष्टिकोण आंशिक तौर पर बदला जा सकता है लेकिन परमानेंटली नहीं मॉडिफाइड किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए समाज के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर है, हैप्पी मैरिड लाइफ इज इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी, सुखद वैवाहिक जीवन, खुशहाल वैवाहिक जीवन सोसाइटी के लिए आवश्यक है। तो देखते हैं इसका आंसर कहाँ मिला हमें। देखिए, हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैरिड लाइफ शुड बी स्वीट एंड प्लीजेंट। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैरिड लाइफ शुड बी स्वीट एंड प्लीजेंट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी।
या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, वॉट शुड नेवर लीड टू ए डिसरप्शन ऑफ हारमनी इन माइंड. मन में मधुर संबंध को लेकर किस बात से अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए. तो इसका आंसर होगा, द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुड नेवर लीड टू ए डिसरप्शन ऑफ हारमनी इन माइंड. मतभेद के कारण मन में मधुर संबंध को लेकर डिस्ट्रप्शन, अवरोध उत्पन्न नहीं होने चाहिए. तो ये हो गया इसका आंसर. अब देखते हैं इसका आंसर हमें किस पैराग्राफ में मिला. तो ये स्टार्टिंग में इसका आंसर है, देयर मे बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बट दिस शुड नेवर लीड टू डिस्ट्रप्शन ऑफ हारमनी इन माइंड. यानी विचारों में भेद हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ के, लेकिन इस चीज़ के कारण, विचारों में मतभेद होने के कारण, उनके मन में मधुर संबंध को लेकर कोई भी बाधिता नहीं होनी चाहिए, वो बाधित नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग. तो हमें यहाँ पर इसके पर्यायवाची लिखने हैं. फर्स्ट है कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप से, वार्तालापों से. और इसका जो मीनिंग है वो है इंट्रैक्शन. देखते हैं इंट्रैक्शन हमें कहाँ से मिला. ऑनेस्टी इन फुलफिलिंग प्रोमिसेस, ऑनेस्टी इन ऑल इंट्रैक्शंस इज द की ऑफ स्ट्रेंथनिंग. तो आप देख रहे हैं इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मीनिंग यहाँ वार्तालाप से है. इसलिए कम्युनिकेशन का जो सिनोनिम्स, जो पर्यायवाची शब्द है, वो इंट्रैक्शन होगा. सेकेंड वर्ड है मेकिंग बेटर. मेकिंग बेटर का मतलब है बेहतर बनाना, बढ़ावा देना. तो इसका जो मीनिंग है सिनोनिम्स, वो एनहेंसिंग है. और एनहेंसिंग हमें वर्ड कहाँ से मिला, किस पैराग्राफ में मिला, किस लाइन में मिला, ये देखते हैं. देखिए, ऑनेस्टी इन फुलफिलिंग प्रोमिसेज, ऑनेस्टी इन ऑल इंट्रैक्शन इज द की ऑफ स्ट्रेंथनिंग इन द रिलेशनशिप एंड एनहेंसिंग. एनहेंसिंग जो है, एनहेंसिंग का मतलब यहाँ है बढ़ावा देते हुए, और ये मेकिंग बेटर का सिनोनिम्स है. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा अनसीन पैसेज, जिसे हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सीखा. पहले हमने पैसेज को रीड किया, फिर क्वेश्चंस को रीड किया, फिर अगेन हमने पैसेज को रीड किया. और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप इसके स्टेप्स को अच्छे से समझ गए होंगे. और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो आप निश्चित तौर पे इसे करना अच्छे से सीख लेंगे. आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू.